जय मा सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पाराडाइस यूट्यूब चैनल को मुझ आप राष्ट्रफ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्छे। दर्शक बंधु, पूर्व टॉपिक रे आपण जनईली आपण मैंने जितेबाला प्रात काल भगवान पूजा करुंट, पूजा समय जो फूल आप भगवान को अर्पण करुंटे, फूल को निर्माल्य फूल को आपड़ केतबाला काढ़े, फूल को केमी आपण भगवान को समर्पण करेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कशन करी। जदि आप देखी ना ऊपर आई लिंक रे अच्छी, आप क्लिक कर देखिपारे, नहीं तो वीडियो सेक्शन को जाकि देखिपारे। आज आप एक बहुत बढ़िया टॉपिक नहीं आसी आस्ट्रो पाराडाइस रे जन दर्शक बंधु सागरिका महापात्र से जानवा चाहते कि घरे एवं आम ठाकुर घरे क्यों क्यों जिनस रखिले घर पर शुभ हुए, लक्ष्मी आशीर्वाद आमको प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे आपको निवेदन करी, प्लीज आप वीडियो को शेष जाए देखु, मझीर स्किप करूँ। जदि आपने प्रथम थर आस्ट्रो पाराडाइस चैनल को देखुं तरह निश्चित आपको कह भी सब्सक्राइब करेंगे, पाखे थोड़ा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जहाद्वारा कि जिते मुझ चैनल टॉपिक अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंची पार। दर्शक बंधु, आपको सभी ने अनुरोध करी प्लीज आपने वीडियो को शेयर करूँ, समस्त पाखे पहुंचातु। दर्शक बंधु, आउ डेरी करी आसतु आरंभ करवा आज अध्याय को। दर्शक बंधु, आम आखपाखरे आम घरे आम सहित एमती केतेक जिनस अच्छी जहाँ रखिले शुभ होता है, घरे नकारात्मक शक्ति दूर होता है, माता लक्ष्मी आशीर्वाद आम घर उपर सदैव रही था, जहाँकि आम घर चारिपटे एमती किसी स्पेशल गच्छ अच्छी जो गच्छ रखा दरकार, आम घर भितर एमती किसी स्पेशल जिनस अच्छी जहाँ रखा दरकार, जहाद्वारा कि आम जब से सब जिनस को नजर करुचे बा से सब जिनस को आम जब रखुचे आम घर थी समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। प्रथम आम जाना आम चतुर्पार्श्वे घर चारिपे क्यों क्यों गच्छ रखिले आमपाई शुभ होता है, वास्तुशास्त्र अनुसार क्यों गच्छ शुभ। जदि आम फूल गच्छ को नवा वास्तु सिद्धांत अनुसार विभिन्न प्रकार सुगंधयुक्त फूल गच्छ जमी गोलाप, गेंडु, रजनीगंधा, चंपा, चमेली, चंदन, अपराजिता, यू फूल आम घर पाखे जदि आम रखुचे तामपाई शुभ होता है। समिति जदि फल गच्छ को आम विचार को ना तो वास्तुशास्त्र हिसाब से कदमी, नड़िया, डालिंब, आंब, पणस, अंगूर, यह सबू गच्छ आम घर पाखे रे घर पर शुभ होता है, वास्तुपाई शुभ होता है। कितु मन रखा दरकार श्मशान बा कबर स्थान रु अणा जाइथिबा गच्छ केबे भी आपण घर पाखरे लगेबे नाही। कोनोसी रुग्ण व्यक्ति जदि आपण को कोनोसी गच्छ दान करिथाय बा कोनोसी रोगी लोक जदि आपण को दान स्वरूप कोनोसी गच्छ देइथाय ताहाले ताहा मध्ये आपणक घर पाखरे लगेबे नाही। जेते मूल्यवान गच्छ होउना काहेकि जदि आपण से गच्छ को आपणक घर पाखरे लगाउचंती ताहाले दरिद्रता आपणकर पिछा छाड़िबनी, घर भितर सबुबेले नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रहिब। विशेष भावरे घर पाखरे तुलसी, बेल, धात्री बा अंला, निंब, एइ सबु गच्छ रहिबा निहाति जरूरी। एहा द्वारा आम घरे जते सबु वास्तुदोष रहिथिबो ताहा दूर हेबा सहित नकारात्मक ऊर्जा आम घर नष्ट होइजिब। तुलसी गच्छर प्राधान्य को वर्णना करने को जाई शास्त्र कहते जावद्दीनानि तुलसी रूपितापि गृहे बसेत तावत वर्ष सहस्राणी वैकुंठे स महीयते। शास्त्र कहले जो व्यक्ति विशेष माने घर पाखरे घर अगणारे तुलसी वृक्ष को रोपण करती एवं तार सेवा करती से व्यक्ति सहस्र वर्ष पर्यंत वैकुंठ समान सुख शांति को प्राप्त करते। बेल गच्छर महिमा को प्रतिपादन करने शास्त्र कहते जस्तु संरोपयत बिल्वम शंकर प्रीतिकारकम तत्कुले पी सदा लक्ष्मी सतिष्ठेत पुत्र पौत्रिकी। शास्त्र कहले जो व्यक्ति विशेष माने घर पाखरे बिल्वृक्ष को रोपण करी बिल्वृक्षर सेवा करती पूजा करती से घरे माता लक्ष्मी चिरस्थायी हो रुहती, माता लक्ष्मी सुदृष्टि माता लक्ष्मी शुभ दृष्टि से घर उपर सदा सर्वदा रही था,
से घरर व्यक्ति विशेष माने पुत्र पौत्र आदि सुख को से माने भोग करंती। तेणु घर पाखरे बिल्व गछ रहिबा मध्य शुभ अटे। धातृवृक्ष बा अण वृक्षर महत्व को प्रतिपादन करबा को जाई शास्त्र कहंती तेनेष्टा बहवो यज्ञास्तेन दत्ता वसुंधरा स सदा ब्रह्मचारी स्यात् तेन धात्री प्ररूपिता। शास्त्र कहिले जो व्यक्ति विशेष माने निजर बासस्थान अँला वृक्ष को लगाई सेवा करती पूजा करती से माने ब्रह्मचारी व्रतर पुण्यफल एवं भूमिदान पुण्यफल को भोग करती। से ही निंब गछ मध्य घर पाखरे रहिबा शुभ। निंब गछर महत्व को प्रतिपादन करबा को जाई शास्त्र कहंती निंबत्रयम समारूप्य नरुम धर्म विचक्षण सूर्य लोक समाश्राद्य बसत अब्दायुतस्त्रयम। शास्त्र कहिले जो व्यक्ति विशेष माने तीनोटी निंब गछ को रोपण करी सेवा करती जत्न नियंती से व्यक्ति विशेष माने जीवन शेष समय रे सूर्य लोक को प्राप्त करती। एणु घर पाखरे एही वृक्ष रहिले शुभ अटे। एबे जानिबा घर भितर कौन रहिले शुभ। आचार्य भूषण ग्रंथ सुंदर भाव प्रमाण दियंती रोचनम चंदनम हेम मृदंग दर्पणम मणिम गुरुमग्नि रवि पश्येत नमस्येत प्रातरे वही। शास्त्र कहिले जदि घरे गोरचना चंदन सुवर्ण शंख मृदंग दर्पण मणि यही जिनिष जदि घरे रखुचंती ताहले घर पई यहा बहु शुभप्रद अटे। माता लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा सदासर्वदा से घरे विराजमान करंती एवं सबुदिन सकाळु आपण उठिबा क्षणी जदि एही जिनिष को आपण दर्शन करंती कण कण गोरचना चंदन सुवर्ण शंख मृदंग दर्पण यही जदि जिनिष को आपण दर्शन करंती ताहले आपणको पई से दिन तमाम शुभ रहिबो। या छोडा आहुरी मध्य शास्त्र कहंती गोमती चक्र शालग्राम शिवलिंग कर्पूर रूपारे तयारी हाथी मयूर चंद्रिका पिरामिड पद्मबीज माळी रुद्राक्ष माळी तुलसी माळी जदि एही सबु जिनिष आमे घरे रखुचे ताहले ताहा मध्य घर पई बहु शुभप्रद हेथाय। एहा छडा घंट घंटा श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवत विभिन्न प्रकार धर्मग्रंथ मध्य घरे रहिले शुभ अटे। एणु आपण आपणकर घर चारिपाखरे जो वृक्ष कथा शास्त्र कहिले से वृक्ष को रोपण करंतु जो घर भितर जो जिनस रहिबा कथा आपण से जिनस को रखंतु देखिबे आपणक घरे माता अन्नपूर्णांकर लक्ष्मीकर शुभ दृष्टि रहिबो। एहा आपणक पई आपणक घर पई बहु शुभप्रद रहिबो। दर्शक बंधु आज एति आशा करी आज टॉपिक आपको भल लगी आपंक मन को छुई थी प्लीज आपदन करी वीडियो को लाइक करेंगे आपड़ अधिक रु अधिक जिते पारे आपड़ सेयार करेंगे समस्त को जनइबे आज्ञा ज्ञान बांटिले ज्ञान बढ़े। बहु परिश्रम करने को पड़ी गोटे टॉपिक को अपलोड करने बहु शास्त्र को अध्ययन करने को पड़ी कौन सी मनगढ़ा कहानी मु चैनल रे अपलोड करेनी जहाँ आपणकर शास्त्र संगत जहाँ आपणकर शास्त्र विदित सबू आपणक सामने मु रखे। मोर दायित्व आपणक जणैबा आपणकर दायित्व आपणकर सांग साथी भाई बंधु ज्ञानती कुटुंब आपणकर सर्कल रे आपणकर सराउंडिंग रे जो माने रहिले तांकु जणैबे। दर्शक बंधु आस्ट्रो पाराडाइस रे आउ जणे दर्शक बंधु कमेंट रे लेखिथिले कि वीर बजरंग बालिंकर बाहन किए तो परवर्ती अध्याय रे आमे आलोचना करिबा वीर हनुमानंकर बाहन किए तांकर द्वारपाल किए तांकर पार्श्व देवता किए भगवान बजरंगी बालिंकु आमे केउ फूल रे पूजा करिबा बजरंग बालिंकर केउ फूल प्रिय तमाम कथा आमे आलोचना करिबा। से पर्यंत आपण माने भलर थांतु खुशी रे थांतु मते विदाय दंत रहिली। जय मा सरला जय गुरुदेव।